नमस्कार, मैं हूं कोमल झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से ही भारतीय सेना आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, बल्कि भारतीय सेना के जवान आतंकियों के ठिकानों में घुस घुस कर उन्हें मौत की नींद भी सुला रहे हैं, जिसके चलते आज भारतीय फौज का नाम सुनते ही आतंकियों की रूह कांप उठती है। लेकिन अब भारतीय जवानों ने आतंकियों के साथ साथ उनकी मदद करने वालों का भी अंत करने का मन बना लिया है, या फिर यूं कहें कि केंद्र को मोदी सरकार ने आतंकियों की मदद करने वाले भारत में बैठे उनके अकाव को बर्बाद करने का प्लान तैयार कर लिया है, जैसा जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिला है। दरअसल यहां सीबीआई ने गन लाइसेंसिंग मामले में जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी के आवास सहित 40 ठिकानों पर रेड मारी है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना कितनी जोरों शोरों से आतंकियों के घरों को ढेर करने में लगी हुई है। ऐसे में आतंकवादियों का मनोबल दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। बता दें, एजेंसी ने अब तक इन छापों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बताया है कि यह कदम 2019 में दर्ज एक मामले में उठाया गया है। आपको बता दें कि इन पर आरोप है कि 2012 और 2016 के बीच जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों के कमिश्नर्स ने धन के लालच में आकर फर्जी और अवैध रूप से हथियारों के लाइसेंस जारी किए थे। इस मामले की जांच की शुरुआत पहले राजस्थान के आतंकी विरोधी ने की थी। वहीं दूसरी ओर गैर जम्मू कश्मीर निवासियों के दिए गए फर्जी बंदूक लाइसेंस के बारे में चौंकाने वाले खुलासे के बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। एटीएस ने पाया था कि गैर जम्मू कश्मीर निवासियों को 40,000 फर्जी बंदूक लाइसेंस जारी किए गए थे। सीबीआई ने अवैध हथियारों के लाइसेंस रैकेट से संबंधित इस मामले की चल रही जांच में बताया है कि इसमें तत्कालीन आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं और इनके आपसी परिसरों में जम्मू, श्रीनगर, बारामूला, दिल्ली के साथ ही लगभग 40 स्थानों पर तलाशी ली है। लगभग 20 गन हाउस और उससे भी ज्यादा पर छापे की कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें कि इसकी जांच पिछले साल से ही शुरू कर दी गई थी। इस मामले में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन समेत दो अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। रंजन और इतरत हुसैन रफीकी ने कुपवाड़ा जिले के कमिश्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से कई अवैध लाइसेंस जारी किए थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।